Governor Sahab Jindabad. Jindabad. 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 Pradhan Shri Subhash Abrol ji aur hamare yahan Sanchar Association ke Pradhan Ashok Sharma ji aur unke saathi yahan mere saath khade hain. Hamari ye ek appeal hai, appeal protest kar rahe hain hum Governor Sahab tak ki humne unke pehle Jindabad ke nare isliye lagaye ki Governor Sahab ek bahut acha kaam kar rahe hain aur hum chahte hain ye hamari jo awaaz hai ki Governor Sahab tak pahunche. कि यहाँ के एक ऐसा सिस्टम बन चुका है पिछले 3-4 सालों से, जब भी ये जनरल डिपार्टमेंट ऐसे बैठा रहता है, जब भी 6 महीने नहीं होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, तो ये यहाँ का कमिश्नर को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जम्मू वालों को बहुत नुकसान हो रहा है कि जब भी यहाँ कोई नया कमिश्नर आता है उसको 5-6 महीने लग जाते हैं जम्मू को समझने के लिए. जब ये यहाँ काम करने की जिम्मेवारी आती है, जब ये टाइम हो जाता है तो जो काम करने के लिए जो शुरुआत करता है, तो उस वक्त क्या होता है, ये जनरल डिपार्टमेंट उनको ट्रांसफर कर देता है. ना जाने ये जनरल डिपार्टमेंट सिर्फ यही देखते रहता है कि कब ये 6 महीने पूरे होंगे तो इसको ट्रांसफर करें. अरे एक तरफ से प्रधानमंत्री जो योजना है, ऊपर गवर्नर साहब यही कहते हैं कि जम्मू को जो है हम एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे. ये स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी? यहाँ पर कोई भी हमारी प्रॉब्लम होती है, हम अभी कमिश्नर साहब से एक बार भी नहीं मिल पाए. एक हॉनेस्ट आदमी, एक अच्छा आदमी और एक जम्मू को देखने वाला आदमी, ये हमारे जो कोतवाल साहब हैं, जो कमिश्नर साहब हैं, इनको ट्रांसफर कर दिया. इनके पहले 6-6 महीने ने निकाले, मनमोहन सिंह जी ने निकाले, कुलदीप खजूरिया जी ने निकाले, जितने भी यहाँ पर आए किसने 6 महीने ने निकाले. लिहाजा हमारी ये गवर्नर साहब की ये रिक्वेस्ट है कि आपके राज में ये हमारे साथ ये अनदेखी नहीं होनी चाहिए, और हमारी ये रिक्वेस्ट है इसको सुनना चाहिए, और हमारी पब्लिक की तरफ से जो डिमांड है इसको मानना चाहिए. इस गवर्नर को यहाँ रोकना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको कमिश्नर साहब को इनको रोकना चाहिए. अभी ये यहाँ से रिलीव नहीं हुए हैं, इनको रोकिए 5-6 महीने के लिए. हमारी पब्लिक की तरफ से ये डिमांड है कि इनको रोकें, ताकि हम लोगों को भी ये पता चल सके ये वाक्य कि हमारे J&K के जो नए गवर्नर साहब आए हैं, इन्होंने वो काम कर दिखाए जो अभी तक नहीं किए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल म्यूनसिपल्टी की इलेक्शन करवाई जो कई सालों से बांधती थी, पंचायत की इलेक्शन करवा दी, असेंबली डिसॉल्व कर दी. ये इतने अच्छे काम कर रहे थे, हमारी यहाँ भी कित सुनाई करना हो कि हम क्यों नहीं अपनी डिमांड रखें कि कमिश्नर को भी यहाँ रोकें. प्लीज हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है 5-6 महीने के लिए इसको टाइम दे दें, कि जो हमारे जो ग्रीवेंसीज हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हम इनके आगे शेयर करने वाले हैं, उनको मिलने वाले हैं, वो हमारी वहीं की वहीं रह जाती है. लिहाजा इनको यहाँ इनको रोका जाए. ये हमारी पब्लिक की तरफ से, जम्मू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से, बाजार एसोसिएशन की तरफ से, संचार एसोसिएशन से, और आल जम्मू जो जितने भी हैं हमारे, उनकी तरफ से ये हमारी रिक्वेस्ट है, इसको रोका जाए. कस्तूरी जी, क्या कोई खास वजह है जिसकी वजह से अगर इतने अच्छे काम ये करते हैं उसके बाद में इनकी ट्रांसफर की जा रही है, इसकी क्या सबसे बड़ी वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि सेक्टर में जो बैठे हैं जो ब्यूरोक्रेट, उनकी मनमानी, ना जाने उनको ऐसा म्यूनसिपल्टी से क्या लगाव है कि जो उनको ट्रांसफर कर देते हैं. बाकी डिपार्टमेंटों में 3-3 साल, 3-3 साल, 2-2 साल, 5-5 साल भी निकल जाते हैं, उनको नहीं हिलाया जाता. बार भाई ये मैं खुद ही अपने मुंह से नहीं कहूंगा, ये खुद गवर्नमेंट को देखना है कि 6 महीने के बाद ये कमिश्नर ट्रांसफर क्यों, ये कौन सी पॉलिसी है, ये पॉलिसी को मेंटेन करना चाहिए, ये इसको आगे बताना चाहिए गवर्नर साहब को कि जनाब ये पॉलिसी है कि जब भी जम्मू का काम होने वाला हो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, ताकि ये जम्मू का काम ना हो, ये पॉलिटिकल काम ये वर्क चलता रहे. हमें पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं, हमें अपने जम्मू से लेना देना है. हमारी स्टेट का मसला है, हमारे घर का मसला है, और यहाँ पर अभी थोड़ा सा पीछे आपने देखा कि यहाँ पर पीछे कितना यहाँ पर गंदगी थी, अब थोड़ी सी गंदगी थी इसने साफ की. ये हॉनेस्ट आदमी है, हॉनेस्ट आदमी को यहाँ रखना चाहिए, ताकि हमारे जो दिलों में है, ये जम्मू का लोकल है, ये डोगरा है, हमारा लोकल है और ये काम कर रहा है, हम चाहते हैं इसको रखिए. अगर आपकी ये मांग ना पूरी की गई तो आते समय में क्या कुछ आप जम्मू को नया दिखाने वाले हैं? इसके लिए हम ये आते समय हम यही करेंगे कि ये हम महसूस करेंगे, हमें हार्ड बीटिंग होगी कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये सिर्फ उन लोगों की बातें सुनती है, हम लोगों की पब्लिक की आवाज नहीं सुनती. अगर ये पब्लिक की आवाज सुनेगी आज ही इसका ऑर्डर कैंसिल होगा.
आज ही गवर्नर साहब इसका ऑर्डर कैंसिल करेंगे, एडवाइजर साहब के पास बैठे होंगे जी, इनका ऑर्डर कैंसिल करें और इसको हाईलाइट करें और जितने भी हमारे ये मैसेज गवर्नर साहब तक नहीं पहुंचता, मेरे जितने भी भाई हैं मैं कहता हूं इसको इतना शेयर कीजिए गवर्नर साहब तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि जम्मू की जो आवाज है वो यही आवाज है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो कमिश्नर है इनको कम से कम 2-2 साल 6-6 महीने का इनको टाइम देना चाहिए। ये कोई कंप्लेंट बेस पर थोड़ी जा रहा है, जिनकी कंप्लेने होती हैं उनको यहाँ 2-2 साल रखा जाता है, जिनकी कंप्लेन कोई नहीं जिसको पब्लिक लाई करती है उसको उठा लिया जाता है। लिहाजा मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से और ये मेरे साथ जितनी एसोसिएशन है मैं इनकी ओर से मैं ऐलान कर रहा हूँ कि गवर्नर साहब तक पहुंचा रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि इसको रोकिए, ने आने वाले टाइम में हमें ये अफसोस रहेगा कि एक बहुत अच्छा यहाँ हमारा गवर्नर साहब आए थे लेकिन बड़े अफसोस की बात है उन्होंने भी सेंटर की सुनी जम्मू की पब्लिक की नहीं सुनी, ये हमारा रोष बढ़ जाएगा। लिहाजा कि मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इनके लिए इनको रोका जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, थैंक यू जी। हमारे साथ लाल गुप्ता जी जिन्होंने कहा कि हमारे जो कमिश्नर है कॉर्पोरेशन के और ये बन सकता है क्योंकि आए टाइम में 6 महीने के अंदर ही अंदर जो कमिश्नर होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उनकी जो ट्रांसफर है वो कर दी जाती है बिना मतलब के, जबकि वो यहाँ पे जम्मू की जो काम काज है उसके लिए बड़ा कदम सामने उठाते हैं। अभी आता समय ही बताएगा और गवर्नर साहब भी इस चीज का खुलासा करेंगे कि क्या वो इस बार जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर है उनके ट्रांसफर को रोकते हैं या फिर से एक बार जम्मू के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और जो यहाँ के कमिश्नर है उनके यहाँ से ट्रांसफर कर दी जाएगी। आप भी जुड़े रहे ऐसे ही नेता वीडियो जर्नलिस्ट यासर चौहान के साथ, आमिर सुहेल खान जम्मू।